हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको ईद पर तैयार होने वाली एक और रेसिपी देते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने मैदा लिया है, यानी कि प्लेन फ्लावर 2 कप्स, और इसको हमने छान लेना है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट का डाल लेना है। तो बहुत से लोग जो हैं वो सॉल्ट को मैदे के साथ ही छान लेते हैं, वो तरीका भी अच्छा है, लेकिन ईद की भाग दौड़ है तो जो भी हमसे हो सका हमने कर लिया, जैसे सहूलत रही। और 1/2 टीस्पून ही फिर हमने इसमें क्यूमिन सीड्स का डाल दिया है, जीरे का, सफ़ेद जीरे का। फिर अजवाइन ली है हमने 1/3 टीस्पून, ये है कैरम सीड्स। अब ये हमारे पास घी है, तो घी रूम टेम्परेचर पर हो तो ठीक है, अगर ना हो तो 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख लें। उसकी ये शक्ल हो जानी चाहिए जैसे कि मार्जरीन होती है, तो घी से ही बना सकते हैं, या बहुत मुमकिन है कि मार्जरीन डाल सकते हो, क्योंकि नमक पारों में मार्जरीन डलती है, उससे यह है कि ये खस्ता बनते हैं। बटर या ऑयल का इस्तेमाल ना करें, उससे यह है कि ये फिर खस्ता नहीं बनते। तो घी हमने डाला होगा कोई 2 टेबल स्पून समझें। उसके बाद उसको हमने मैदे में मिला लेना है और उसको अच्छी तरह से रब कर लेना है। इस प्रोसेस को अम्मी मोन करना कहती हैं। अब हमने पानी लिया है, लूक वार्म है आम, तो हाथ को तो टच कर ही रहा है और आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि आपने इसको कैसा गूंथना है। बहुत अगर सख्त होगा तो आप इसको बेल नहीं पाएंगे, बारीक नहीं कर पाएंगे, और अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो फिर ये इस तरह से क्रंची नहीं बनेगा जैसा कि आपको चाहिए। तो पापड़ी बहुत बारीक नहीं होती, थोड़ी सी थिक होती है, लेकिन होती बहुत क्रिस्पी है, क्योंकि उसका पानी बिल्कुल तलने के प्रोसेस के थ्रू ड्राई हो चुका होता है। तो अब आप देख लें कि ये इसने सारा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लिया है, किनारे जो हैं वो बोल के बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, हाथों को हमारे ये नहीं चिपक रहा है या थोड़ा बहुत चिपक रहा है। और इसकी हमने एक बॉल बनाई है और उसको हमने फिर एक कटोरी में रख के उसको क्लिंग रैप लगा लेना है, ग्लैड रैप लगा लेना है। 15-20 मिनट के लिए इसको हमने फिर रखा रहने देना है। 15-20 मिनट्स के बाद हमने इसका एक पेड़ा बनाना है। ड्राई फ्लावर हमने थोड़ा बहुत हाथ पे लगाया है, और पेड़ा बनाने के बाद हमने उसको बेल लेना है। बेल के जितनी बारीक हो सके रोटी आप कर लें। अब हमने इसमें थोड़े से होल्स कर लेने हैं। हमारे पास तो ये टूल है जिसको हमने इसके ऊपर से गुजारा है, उससे ये है कि इसमें होल पंच हो गए हैं, इसकी वजह से ये गोलगप्पे नहीं बनेंगे। वरना ये है कि अगर आप इसको यूं ही काट के डाल देंगे तो ये फूल जाएगी पापड़ी, तो हमने इसको फुलाना नहीं है। अगर आपके पास इस किस्म का टूल नहीं है तो आप फॉर्क से भी इसमें सुराख कर सकते हैं, और उसके बाद आपने इसको काटना होगा। तो कोई भी कुकी कटर ले सकते हैं, कोई भी ढकना ले सकते हैं, कोई भी टम्बलर ले सकते हैं, किसी भी गिलास से काट लें। वैसे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि ये बड़ी बड़ी काटी जाएं ताकि जल्दी काम हो। जो बीच का आटा होगा वो आप निकाल लें, जो टिकियां हैं वो बेंच टॉप पे ही रह जाएंगी, और जो आटा आपने निकाला होगा उसका दोबारा से पेड़ा बनाकर बेलकर आप और पापड़ी जो है वो बना सकेंगे। अब ये खूब सारा हमने वेजिटेबल ऑयल ले रखा है, तो ये सिर्फ पापड़ी के लिए नहीं है, इसमें हमने बहुत कुछ तलना है। इसी में हम गुलाब जामुन तल सकते हैं, इसी में हम नमक पारे बना सकते हैं, इसी में हम समोसे तल सकते हैं, इसी में हम पापड़ी बना सकते हैं, और इसी में हम दही बड़े तल सकते हैं। तो सब कुछ तलने के लिए ये वेजिटेबल ऑयल जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ख़राब नहीं होगा। और इसके बावजूद ये सब कुछ तलने के बाद भी आप इस तेल को ठंडा होने पर एक बॉटल में डाल के रख सकते हैं अगली फ्राइंग के लिए। हाँ, उसमें हम अंडा फ्राई नहीं करते और उसको हम कुकिंग में यूज़ नहीं करते, तो फ्राइंग के लिए कुछ अरसे तक ये तेल जो है ये इस्तेमाल हो सकेगा। उसको सूंघ लें, अगर वो बिल्कुल सही है तो आपको पता लग जाएगा। जब तक इनमें बबल बनेंगे, जब तक इनमें पानी है, लो मीडियम हीट पर आपने इनको तलते रहने देना है, यहाँ तक कि ये खामोश हो जाएं, इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाएं, लाल हो जाएं। आपने देखा कि ये किस तरह पर खूबसूरती से गोल्डन हो गई हैं। और फिर आपने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है, ठंडा होने पर आप इनको जिप लॉक बैग में डाल के रख लें, तो बहुत अरसे तक फ्रिज के बाहर भी ये ताज़ी ही रहेंगी। तो ये तो थी हमारी रेसिपी पापड़ी बनाने की, बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है, बच्चे तो इसको रूखा ही खा लेते हैं। तो खुदा करे कि आपको पसंद आई हो और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।